टाइम बहुत कम है इसलिए कुछ इंट्रो विंट्रो नहीं, डायरेक्ट हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। मेरा जो टॉपिक है वो है डिसिप्लिन का। देखो, अगर हमें बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है तो फर्स्ट थिंग हमें पहले डिसिप्लिन में रहना होगा। तो ये जो टॉपिक है वो आप अच्छे से समझना, जो हमें हमारे अंदर लाना ही लाना है। जब हम खुद एक वेल डिसिप्लिन रहेंगे ना, तो ही हम हमारे बच्चों को डिसिप्लिन कर पाएंगे। क्योंकि सिंपल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, नियम के अंतर्गत रहना। जब खुद हम एक अच्छी तरीके से नियम के अंतर्गत रहेंगे तो जाके हम एक वेल डिसिप्लिन टीचर की कैटेगरी में आ पाएंगे। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से तो इम्पोर्टेंट हमें भी मिल जाएगा। देखते हैं, मेरा इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मस्ट बी सो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स स्टूडेंट कलीग्स एंड पेरेंट्स। मुझे आप लोग सिंपल एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ बैठे आप लोगों से गाली देके बात करूँ तो आप क्या मुझे रिस्पेक्ट से बात करोगे? मेरे ऊपर कोई मीठे शब्दों की मोती बरसाओगे? नहीं ना, जाहिर सी बात है, मैं गाली देके बात करूंगी, मैं बेअदबी से बात करूंगी तो आप भी मेरे साथ बेअदबी से ही बात करने वाले हो। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, हमें हमेशा हमारे जो टीचर्स हैं यानी कि हमारे जो कलीग्स हमारे साथ हैं, भले आपसे छोटे पोस्ट पे हो बड़े पोस्ट पे हो वो कुछ मायने नहीं रखते, एक बार आप रिस्पेक्ट से बात करके तो देखो अगर सामने वाले भी आपको रिस्पेक्ट ना दे तो बोलना। ये हमारे हमारे कलीग्स के लिए, साथ ही साथ हम हमारे पेरेंट्स के साथ भी, मतलब क्या होता है हम अपने काम में इतने फ्रस्ट्रेट हो गए होते हैं ना कि हम पेरेंट्स के साथ थोड़ी बेअदबी से बात कर देते हैं। तो ये जो करना है ना वो हमें पेरेंट्स के साथ नहीं करना, वो हमारी भी एक इमेज खराब करती है, एज अ टीचर्स भी इमेज खराब करती है, मतलब पर्सनैलिटी जो है हमारी वो भी खराब करेगी, एज अ टीचर्स हमारी जो इमेज है वो भी खराब करेगी, साथ ही साथ हमारे इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट को भी खराब करेगी। तो सेकेंड चीज, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ भी रिस्पेक्टफुल ही रहना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारे बच्चे। अब आप मुझे खुद बताओ, क्लास में हम क्या सोच के जाते हैं कि भाई हम इनके टीचर्स हैं और हमें इनसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। लेकिन वहां भी रिस्पेक्ट कब मिलेगी, जब आप खुद उनसे एक अच्छी तरीके से पेश आओगे। तो एक सिंपल चीज बताऊं, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है साक्षी नाम है, वो जब शुरू शुरू में 8th क्लास में आई थी ना तो हमने उनको दीदी बोला, मतलब थोड़ी सी ऐसे हैं तो हम दीदी दीदी करके बात करते हैं। वो बंदी और मेरे बारे में हम हैं बेस्ट फ्रेंड, लेकिन आज तक वो मुझे दीदी बोलती है और मैं उसे दीदी बोलती हूँ। ये हुआ क्यों? क्योंकि मैंने उसे दीदी बोला, उसे भी लगा नहीं मैं भी दीदी बोलती हूँ। जबकि एज अ फ्रेंड में तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक के तरफ से रिस्पेक्ट गया तो ही दूसरे की तरफ से रिस्पेक्ट मिला। तो आपको क्या करना है, ये चीज याद रखना है कि हमें कुछ भी हो जाए अपना, यहाँ पे कुछ नहीं सोचो, बस इतना सोचो खुद को रिस्पेक्ट चाहिए तो सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। जब खुद को रिस्पेक्ट लेना है तो देना तो पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे एक वो बहुत सी अच्छी सी लाइन है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा। समझ में आया ये चीज? अभी हमारा सेकेंड पॉइंट है, भाई हमने अपने अंदर ये चीज सुधार ली। अब जैसे ही हम स्कूल आए, तो जब हम हमारे टाइम पे स्कूल आए तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करनी है कि हमें हमारी पंचिंग करनी है और अटेंडेंस रजिस्टर में हमें साइन करना है, ये हमें पता है। पर ये पॉइंट मेरा यहाँ लेने का मोटिव क्या था, एक प्रॉब्लम होती है 12-15 का जो टाइम होता है ना, उस समय हिंदी मीडियम के टीचर्स आ रहे होते हैं, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स जा रहे होते हैं, तो एक रजिस्टर में वहां पे इतना क्राउड इकट्ठा हो जाता है ना कि वो जो व्यू देखने को मिलता है ना टीचर्स का, वो ऐसा लगता है कि मछली मंडी बजी हुई है, होता है ना आपको? मेरे से एक मैम ने शेयर किया था कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि टीचर्स वहां पे साइन के लिए भीड़ में इकट्ठे हुए और पेरेंट्स उन्हें देख के हंस रहे हैं कि कैसे टीचर साइन करने के लिए हंस, मतलब जुड़े हुए हैं। तो ये चीज का हमें सोल्यूशन निकालना है, और हमने सोल्यूशन क्या निकाला है कि नेक्स्ट मंथ से हिंदी मीडियम के टीचर्स का रजिस्टर जो होगा वो अलग होगा, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स का रजिस्टर अलग होगा। इंग्लिश मीडियम के टीचर्स का रजिस्टर उन्हें उनके स्टाफ रूम में मिलेगा, ताकि वो जब स्टाफ रूम में आए अपना सामान रखने वही साइन करें, वहां से डायरेक्ट वो अपने घर के लिए निकल जाए। और हिंदी मीडियम के टीचर्स का रजिस्टर होगा रिसेप्शन पे, जहाँ पे टीचर्स आए साइन करें और टाइम पे अपने क्लास में पहुंचे। ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। अब अटेंडेंस रजिस्टर पे साइन कर लिया, पंचिंग कर लिया, नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो है हमारी प्रॉक्सी बुक। टीचर्स कभी ना कभी किसी ना किसी को किसी ना किसी रीजन से छुट्टी तो मारनी पड़ती है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस दिन होती है जब हमारे साथ काम करने वाले हमारे टीचर्स एब्सेंट हो और दूसरे टीचर्स को उनके जगह पे जिम्मेदारी निभानी पड़ती है।
पड़े, तो वो होती है हमारी प्रॉक्सी। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप एंटर हुए आपको एक बार अपने मीडियम का प्रॉक्सी बुक चेक करना है कि कोई आज अब्सेंट तो नहीं, किसी चीज के लिए मतलब किसी टीचर्स के बिहाफ में आपकी कहीं प्रॉक्सी तो नहीं लगी है। अगर प्रॉक्सी लगी है देन आप साइन कीजिए और अपने क्लास में जाइए, नहीं प्रॉक्सी लगी है तो आप अपने फ्री लेक्चर में फ्री हो। प्रॉक्सी तो तभी लगेगी ना जब आपका लेक्चर फ्री होगा, तो प्रॉक्सी लगी है तो आप प्रॉक्सी बुक में साइन करो और आप अपना अब आगे का क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज यहाँ पे क्यों, क्योंकि क्या होता है टीचर्स ना प्रॉक्सी लिख देते हैं सुपरवाइजर्स, फिर वही प्रॉक्सी बुक लेके सबके पास ढूंढते फिरते हैं कि ये टीचर कहाँ है, इनको प्रॉक्सी बुक में हमें साइन करवाना है कि उन्हें ये क्लास लेना है। तो ये जो थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट होता है ना, ये हमें नहीं करना। आपको आना है, पंचिंग करनी है, पंचिंग करने के बाद प्रॉक्सी बुक एक बार चेक करना है। समझ में आया ये चीज। अभी हमारा फोर्थ है बीइंग क्लास ऑन टाइम इन प्रोफेशनल मैनर। प्रॉक्सी बुक चेक कर दिया, साइन कर दिया, अभी आपको क्या करना है, आपके जो भी टूल्स है, जो भी चीजें आपके रजिस्टर है, पेन है, पेंसिल है, डस्टर है, जो भी आपको लेना है आप अपना सामान ले और टाइम पे अपने क्लास में पहुंच जाए प्रोफेशनल मैनर के साथ। टाइम पे मतलब कैसे, जैसे हमारे प्रवीण सर ने बताया कि प्रेयर से पहले आपको आपके क्लास में होना है। नेक्स्ट पांचवी चीज, यू मस्ट बी वेल ऑर्गेनाइज इन देयर लेसन प्लानिंग एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। मुझे एक चीज बताओ, आज सुबह ही सर ने बताया पॉजिटिव माइंडसेट, सबके टॉपिक में सर का नाम तो आ ही रहा है क्योंकि सर ने इतना अच्छे तरीके से चीजें समझाई है। एक चीज है, क्या हमारा ज्ञान कभी खत्म होगा, मतलब ऐसा है कि ज्ञान खत्म हो गया, बस हमने जितना ले लिया उतना काफी है, अब लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है? हम खुद हमारे सब्जेक्ट में जब जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कितने साल पहले हमने वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा, भले सेम बुक क्यों ना हो, वही सेम बुक हमने पढ़ी और वही सेम बुक भले हम क्यों ना पढ़ा रहे हो, पर टाइम गैप तो हुआ। हमने 10 दिन पहले क्या खाया होता है वो याद नहीं होता है, तो इतने दिन पहले का पढ़ा हुआ क्या याद होगा। तो फर्स्ट चीज, आप जब क्लास में जाओ तो आप जो टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके लिए एक बार प्रिपेयर होके जाओ। भले हमें आता है पर कोई ना कोई वर्ड तो ऐसा आ जाता है ना जो हमें आता हुआ भी हमारे जहन में ना आए कि भाई इसका मतलब क्या था, और कुछ बच्चे जो होते हैं ना वही वर्ड पकड़ के बैठ जाते हैं, तो पूरे क्लास के सामने हमें कैसा होता है कि बच्चे ने सवाल पूछा और हम जवाब नहीं दे पाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले से एक बार एटलीस्ट एक नजर तो मार के जाओ, एक नजर में ना आपको वो वर्ड दिख जाएगा कि भाई इसका मतलब मुझे नहीं पता चल रहा है। 2 मिनट का काम, गूगल सर्च करो और आप अपने आंसर को जान सकते हो। माई नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड आर्ग्यूइंग विद स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ भी हो जाए ना, बच्चों के साथ आर्गुमेंट करना बंद कर दो, मेरा वो फर्स्ट वाला पॉइंट। हम रिस्पेक्ट देंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगा, नो डाउट। बहुत बार ऐसी चीजें होती है ना कि बच्चे बिना मतलब आपसे आर्ग्यू करेंगे, आपने कुछ अच्छी चीज के लिए टोका और बदले में वो कुछ होते हैं ना थोड़े मुफ्फट टाइप के, तुरंत जवाब दे देंगे। तो आप एक बार वहां पे आराम से बोल के देखो, उसने बेअदबी से बात की, और एक बार आप अच्छे से बात करके देखो, देखो वो वापिस से आपको बेअदबी से बोल रहा है क्या, एक बार ये करके देखो। नेक्स्ट टाइम कभी क्लास में ऐसा हुआ ना किसी बच्चे ने तू मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट से बात नहीं किया, आप उसको रिस्पेक्ट से बात करके बोलो, देखो वो वापिस से बेअदबी से बात कर रहा है क्या। अपने आप वो बच्चा समझ जाएगा कि ये मेरी टीचर है, यहाँ पे तो इसे मुझे दो झापड़ मार देना चाहिए, फिर भी ये मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, मतलब मैं कैसा हूँ। उसके मन में कहीं ना थोड़ा बहुत तो होगा, तो कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। हाँ, उसके बाद भी अगर बच्चा लिमिट क्रॉस कर रहा है, नीचे बहुत से हमारे ऑफिस में अच्छे खासे सर है, ले जाओ फिर वो संभालेंगे। समझ में आया ये चीज। नेक्स्ट है बी पोलाइट विथ स्टूडेंट। आप चाहते हो ना कि बच्चे आपसे अच्छे से पढ़े, आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिखाए, तो थोड़ा उनके साथ पोलाइटली हो जाओ। आप सोचो, बहुत बार क्या होता है, बहुत सी टीचर्स की ऐसी इमेज होती है, वो क्लास से बाहर भी गुजर जाए ना बच्चे शांत, भले वो बहुत टैलेंटेड क्यों ना हो, पर वो क्लास में जाके पढ़ा रहे हो ना, तो बच्चों को पूछने से पहले डर लगेगा कि ये नहीं आ रहा है, पूछूं कि नहीं पूछूं, होता है ना। क्यों? क्योंकि उनकी इमेज इस तरीके की बन गई है, तो वो हमें नहीं करना है। एक बार मतलब हमारे अशोक सर कहते हैं पूरी क्लास के सारे बच्चों का नाम तो आपको याद होना ही चाहिए, जिस क्लास में आप जा रहे हो उस क्लास के सारे बच्चों का नाम याद होना चाहिए, और हमारे अशोक सर को याद भी रहता है। वो उनकी खासियत है कि वो जिस क्लास में जाते हैं उतने बच्चों का नाम तो उन्हें याद ही रहता है। तो ये चीज हमें उस समय काम आएगी जब हमें बच्चों के साथ पोलाइटली बिहेवियर करना है, तो एक बार आपको नाम याद होगा ना, रेंडमली हर बच्चे से मतलब किसी के बच्चे, हमारे हिंदी मीडियम में तो कोई कोई क्लास ऐसी है जिसमें 72 बच्चे हैं, तो एक दिन में हम 72 बच्चों के नाम तो नहीं ले सकते,
3 दिन 4 दिन में आप वो बच्चे से जुड़ जाओ, एक बार तो बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच्चा आपसे बात कर रहा है उसी से बात करो, जो नहीं कर रहा उसको आप इग्नोर ही कर दो। नहीं, पोलाइटली पूरे विनम्रता से आपको बच्चों के साथ व्यवहार करना है। ये चीज कहीं नोट करने जैसी नहीं है, हमारे अंदर हमें खुद इस डिसिप्लिन को लेके आना पड़ेगा। नेक्स्ट, बच्चों को बोलते हैं फुल यूनिफॉर्म में आओ, फुल डिसिप्लिन के साथ रहो। हम करते हैं ना, मैं भी करती हूँ, ऐसा नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं भी खुद ऐसे आ जाती हूँ बिना यूनिफॉर्म के, दूसरे घर के कपड़ों में। वो चीज हमें नहीं करनी। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, एक इंग्लिश मीडियम के सर है, सॉरी मैं नाम नहीं जानती, और पूजा मैम आई थिंक है ना, इंग्लिश मीडियम की पूजा मैम है और सर का सॉरी मैं नाम नहीं जानती। आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, शूज आई कार्ड, मतलब जो यूनिफॉर्म है हमारा वो तो होना ही चाहिए, लेकिन लेडीज हो या जेंट्स हो उनके शूज होने चाहिए और साथ ही साथ जेंट्स के शर्ट इन भी होने चाहिए। माय नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्निंग लंच एंड लीव पोजिशन। हर बार दिया जाता है पर 10 दिन खड़े होते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कि हमें ऐसा कोई काम भी मिला था। तो आप याद करो, एक बार वो मैंने सुबह एक शायरी बोली, जितनी मेहनत से हम अपने काम में लगे रहेंगे वही मेहनत हमें क्या दिलाएगी, सफलता। वही मेहनत हमें कल सफलता दिलाएगी। तो झोंक दो अपने आप को इस आग में, यही आग हमें हीरा बनाएगी। याद है अभी मैंने सुबह बोला था, भूल गए ना। चलो, तो हमें क्या करना है, हमें जो भी वर्क मिला है उसको पूरे मेहनत के साथ करना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा, स्पीकिंग लैंग्वेज जो है टीचर्स की वो इंग्लिश ही होना चाहिए। आपने देखा ना, नॉर्मल घर में बोलते हैं ना, छोटा बच्चा अपने आसपास जो सुनता है ना वही बोलता है। घर वाले अगर किसी बात के लिए गाली निकालते, छोटा बच्चा तुरंत गाली सीख जाता है। घर वाले जिस तरीके से अपने खुद के लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं ना, जैसे किसी के घर में भोजपुरी बात हो रही है, बच्चा भोजपुरी बोलना सीख जाएगा, हिंदी बात करना नहीं आएगा उसे। तो जिस तरीके से मत दिखाओ मैम बीच बीच में टाइम, हमें क्या करना है, हमेशा हमारे कैंपस में जितना पॉसिबल हो सके इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करना है। ये लैंग्वेज ही हमारे बच्चों के ऊपर इम्पेक्ट करेगी, क्योंकि वो बच्चे भी घर की तरफ 5 घंटा हमारे पास रह रहे हैं। तो हमें अपने अंदर ये सुधार करने की जरूरत है। माय नेक्स्ट पॉइंट, हाँ ये भी मेरा टाइम ले रहा है, देख लो। हाँ, अभी वो एक स्किप हुआ, वो था कि इतने रूल रेगुलेशन जो आपको पता चले ना, नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, 100 रुपये या 200 रुपये का बीच का फाइन भरोगे। और 100-200 रुपये हमारे लिए जरूरी है भाई, हम सारी चीजें करेंगे, फाइन भरेंगे नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेरा, नो पर्सनल टॉक एनी स्टाफ और एनी स्टूडेंट। अटैच होना है बच्चों से, चीजें समझनी है, लेकिन इतना भी नहीं पर्सनल टॉक उनसे कर लेना है कि वो हमारी ही चीजों का हमसे गलत फायदा उठा ले। हमने कुछ अच्छा सोच के बोला, उन्होंने कुछ अच्छा कुछ अलग ही मतलब निकाला और वो कुछ और ही बाहर लेके आए। होता है ना ऐसी चीजें, हम क्या सोच के बोलते हैं, होता क्या है। तो ये सारी पर्सनल टॉक हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट, 1000 बार सुपरवाइजर्स बोलते हैं, जब भी छुट्टी मारो पहले बताओ। तो अब आपको क्या करना है, पहले रिटर्न एप्लीकेशन देना ही देना है, ताकि नेक्स्ट डे जो हमें प्रॉक्सी वगैरह सेट करनी हो वो हम कर पाए। तो टीचर्स को मस्ट एप्लीकेशन, वो भी हैंड रिटर्न होना जरूरी है। नेक्स्ट है मेरा, नो मोबाइल फोन। चल ही रहा है इस बार के सेशन से, आते ही फोन आपको क्या करना है, ऑफिस में जमा कराना है। आपके पास अगर फोन मिलेगा तो वो 100-200 याद रखना, देना पड़ेगा फिर उधर। नेक्स्ट है हमारा, बी फेयर टुवर्ड्स स्टूडेंट। ये सबसे जरूरी है। आप देखो, बहुत बार होता है ना, कुछ बच्चे बहुत एक्टिव है तो वो हमसे बात करते हैं, कुछ ऐसी ग्रुप हो जाती है हर क्लास में जो एनी टाइम हमसे जुड़े हुए हैं, पर कुछ ग्रुप ऐसे भी है, कुछ बच्चे ऐसे भी है जो कभी मैम तक भी नहीं बोलते, होता है ना, वो शांत के शांत ही रहते हैं। और फिर हम यहाँ पे नो डाउट, हम अपने आप ह्यूमन नेचर है, हम भी क्या हो जाते हैं, जो बोलते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो नहीं बोलते उनको थोड़ा बहुत पूछ लिया नहीं तो रहने देते। चॉकलेट वॉकलेट मिली, आगे वाले बेंच पर जो बात कर रहे थे उनको पकड़ा दिया, बाकी सबको रहने देते। तो ये हमें नहीं करना है, वो हमारे बच्चों पे गलत इम्पैक्ट दिखाती है। हमें सारे बच्चों के लिए क्या रहना है, फेयर रहना है।